दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। लातू घूंसे चले और आगजनी हुई। इस मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत शनिवार की दोपहर हुई। करीब 2:30 बजे एक वकील ने जब लॉकअप के बाहर अपनी कार पार्क करनी चाहिए तो लॉकअप की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी से कार पार्क करने को लेकर उसकी बहस हो गई। इस बहस के बाद वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वाले को पीट दिया। करीब 2:40 बजे लोकल पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। जानकारी मिलने पर पुलिस वाले इकट्ठा हो गए और देखते देखते मामला हिंसक मारपीट में बदल गया। करीब 2:45 पुलिस वाले एक वकील को पीटते हुए अंदर ले आए। इसी बीच पुलिस ने कथित तौर पर फायरिंग की। आरोप है कि इसमें विजय वर्मा और रविवार नाम के दो वकीलों को गोली लगी। उसके बाद वकीलों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी। चूंकि आग लॉकअप के ठीक बाहर लगाई गई थी, इसलिए लॉकअप में बंद 128 कैदियों का दम घुटने लगा। दिल्ली से युगवाणी टाइम्स की रिपोर्ट।